प्रांतीय सेन समाज संगठन द्वारा भोपाल के 1250 अस्पताल स्थित चौराहे पर कर्पूरी ठाकुर की जन्मतिथि के अवसर पर उनकी फोटो पर माला चढ़ाकर एवं आपस में मिठाई बांटकर इस दिन को खुशी की तरह मनाया। साथ ही इसके द्वारा बताया गया कि कर्पूरिया ठाकुर एक जाति विशेष नेता नहीं थे, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग को बिहार प्रदेश में सबसे पहले आरक्षण देने का काम किया। आरक्षण को विभाजित कर पिछड़ा वर्ग को 8% अति पिछड़ा वर्ग को 12%, स्वर्ग को 3%, सभी वर्ग की महिलाओं को 3% आरक्षण बिहार में लागू कर निचले पायदान पर खड़े वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। सभी समाज समाज, बारी समाज, ठाकुर समाज, श्री समाज, बंदेवार समाज, सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी समाज वाले बहुत गौरवान्वित हैं इस चीज से कि जिन्होंने हमारी बरसों की तपस्या, जिन्होंने अपना तप, जिन्होंने अपना बल त्याग जो किया, वो आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने हमारे लोगों की बात में सुनी और इसी बात से हम सब संतुष्ट में हैं और सम्मान दिया और आगे भी अपेक्षा ऐसे करते हैं कि इस समाज के लिए ऐसे ही छोटा सा समाज है, ये उंगलियों में गिनती आती है इसकी। एक गांव में अगर 1000 आदमी रहते हैं तो एक परिवार मिलता है। ऐसा बिछड़ा हुआ समाज है कि आज तक इस समाज का किसी ने उद्धार नहीं किया। और स्वच्छ सभी, ये समाज निरंकुश, मर्यादा, सबकी बातें सुनने वाला, समाज के लिए आगे हर हित में, अच्छे में, बुरे में काम करने वाला, इस समाज को किसी ने नहीं देखा। लेकिन आज बड़े गर्व हो रहा है। हम लोग तो जन्म भी नहीं हुआ तब से हम लोग नाम सुना है उनका के कर्पूरी ठाकुर थे, लेकिन आज बड़ा महसूस हो रहा, अपने आप को धन्य हो गए कि मेरी समाज के बुजुर्ग मार्गदर्शक जिन्होंने इतना नाम कमाया, उन्हीं के चरण चिन्हों पे हम लोग चलेंगे। और ऐसी अपेक्षा करते हैं भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इस समाज, ये छोटी सी समाज में है, जिसकी मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि सिर्फ उंगलियों में गिनती होती है, इस समाज को कैसे ऊपर लाना है ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। आज इस कोटरी में शुरू से लेकर समाज गुमठियां खोल रहे हैं, इनको कहीं भी कोई सुनिश्चित स्थान नहीं मिला, इनके धंधे छिन गए, आज तक इनको धंधा ठीक से नहीं मिला, बेचारे ठेला टांग के कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं। मैं एक भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का एक छोटा सा कर्मचारी हूं, भोपाल से हूं, मैं अपनी दुर्दशा कैसे जानता हूं, मैं कैसे जीता हूं, कैसे रहता हूं इस समाज में, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन मैं अपने बल और अपनी बुद्धि से जो मेरे विवेक में आता है वो मैं काम करता हूं और समाज का, मरीजों की भी सेवा लगन से करता हूं। जिस हिसाब से दाढ़ी में एक एक बाल नहीं छोड़ते हम लोग, उसी प्रकार समाज में ऐसे ही काम करते आएंगे और हर काम में काम करेंगे जो हमारी समाज आज हमेशा आगे रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।